तो देखिए, भूल भुलैया 3 आ रही है दिवाली के मौके पर, और भैया भूल भुलैया देखेंगे तो अच्छी खासी फिल्म रही, चाहे फर्स्ट अक्षय कुमार की फिल्म उठा लो, उसके अलावा सेकंड कार्तिक आर्यन वाली उठा लो, दोनों ही फिल्में देखेंगे तो बॉक्स ऑफिस पे अच्छी खासी कमाई करके गई। साथ ही साथ दोनों ही फिल्मों में हमें अच्छे खासे सॉन्ग्स देखने को मिले थे। ऐसे में अब भूल भुलैया 3 आ रही है तो सब वेट कर रहे कि भैया टीज़र आएगा कब, क्योंकि आपको याद हो तो स्त्री के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएँ चल रही थी कि एक स्पेशल टीज़र तैयार किया गया है, दिवाली स्पेशल एक टीज़र है जो कि हमें देखने को मिलेगा स्त्री 2 के साथ। लेकिन देखें तो स्त्री 2 का जो जॉनर है वो भी सेम था, तो इस वजह से उन्होंने उसको पोस्टपोन किया टीज़र को, और अब जो वो टीज़र है वो हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है। इसी मंथ हमें टीज़र देखने को मिलेगा भूल भुलैया 3 का। अभी विक्की विद्या का वो वाला वीडियो को देखेंगे तो ट्रेलर लॉन्च इवेंट था जहाँ पे फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार शामिल थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भैया फिल्म का जो टीज़र है वो सितंबर के मंथ में ही आने वाला है और फिल्म जो है वो 1 नवंबर को ही आने वाली है। तो फिल्म भी पोस्टपोन नहीं हो रही है और टीज़र अब हमें जल्दी देखने को मिलने वाला है। साथ ही कई सारे शानदार पोस्टर्स भी देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ भैया सॉन्ग्स भी देखने को मिलने वाले हैं अच्छे खासे। और कहा जा रहा है कि भैया फर्स्ट वाली जो भूल भुलैया थी उसमें हमें एक सॉन्ग देखने को मिला था लबो को, अच्छा खासा सॉन्ग था, केके की आवाज़ थी, तो उस सॉन्ग को रिक्रिएट किया जा रहा है और इस बार हमें उसमें देखने को मिलेंगे कार्तिक आर्यन और साथ ही साथ तृप्ति डिमरी। फर्स्ट वाली जो भूल भुलैया थी वहाँ पे देखेंगे तो उस सॉन्ग में हमें देखने को मिले थे शाइनी आहूजा और विद्या बालन देखने को मिली थी, और ज़बरदस्त चार्ट बस्टर सॉन्ग था, अभी भी आप सुन लो तो अच्छा खासा वो सॉन्ग लगता है। तो अब देखते हैं उसको किस तरीके से ये लोग रिक्रिएट कर रहे हैं, किसी और सिंगर की आवाज़ रहेगी मेन या फिर उसी में थोड़ा बहुत म्यूज़िक चेंज करके कुछ एक्स्ट्रा वोकल्स ऐड किए जाएंगे, तो देखना दिलचस्प होगा। बाकी उसके अलावा हरे कृष्णा हरे राम वाला जो सॉन्ग था वो भी अच्छा खासा पॉपुलर था, 2 में भी उसको रिक्रिएट किया गया, थर्ड पार्ट में भी उसको भी रिक्रिएट किया जाना है। तो 2 सॉन्ग्स रिक्रिएटेड वर्जन होने वाले हैं, टीज़र जल्दी आने वाला है, फिल्म दिवाली पर आ रही है, देखते हैं क्या धमाल मचाती है, क्योंकि विद्या बालन इस बार फिर से आ चुकी हैं। सेकंड में तो देखें तो कियारा आडवाणी थी और तब्बू थी, इस बार देखें तो तृप्ति डिमरी हैं। तृप्ति डिमरी का भी देखेंगे तो अभी जलवा चल रहा है बॉक्स ऑफिस पे, एनिमल में वो जब से आई हैं तो अलग ही भाभी 2 नाम से वो फेमस हो गई, उसके बाद बैड न्यूज़ भी अच्छी खासी उनकी चल गई, तो ऐसे में भैया इस फिल्म में वो हमें देखने को मिलेंगी। विद्या बालन है, माधुरी दीक्षित है, तो ये भी काफ़ी समय बाद बड़े पर्दे पर देखने को मिलने वाली हैं। उम्मीद करेंगे भैया ये फिल्म भी अच्छी खासी चले, सिंघम अगेन के साथ क्लैश है। बाकी आपका क्या है कहना, आप एक्साइटेड है यानी भूल भुलैया 3 को लेकर कॉमेंट करें।